वोडाफोन आइडिया का शेयर इन दिनों तूफानी रफ्तार से चढ़ रहा है। शेयर का भाव 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। शेयर में तेजी का फायदा निवेशकों को मिल ही रहा है और इससे सरकार को भी मोटा मुनाफा हो रहा है। सरकार के एक फैसले से शेयर में और मजबूती आ गई है। खबरों के माने तो वोडाफोन में सरकार अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। सरकार की वोडाफोन आइडिया में 33% हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी 10 रुपए प्रति शेयर पर खरीदी थी। अब शेयर का भाव 17 रुपए के पार पहुंच गया है, यानी सरकार को करीब 70% का फायदा हो गया है। हालांकि उस वक्त सरकार ने ये शेयर मार्केट प्राइस के मुकाबले महंगा खरीदा था। जिस वक्त सरकार ने वोडाफोन आइडिया में एंट्री ली थी, शेयर का भाव 7.25 रुपए पर था, लेकिन सरकार को 3 साल के अंदर ही 70% का मुनाफा हो गया। वोडाफोन आइडिया 27 फरवरी को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर फैसला लेगी। इस फंड का इस्तेमाल कर्ज कम करने और 5G सर्विसेज के लॉन्च में तेजी लाने के लिए किया जाएगा। सूत्रों की माने तो सरकार कंपनी के बोर्ड से कई ठोस प्लान, रिवाइवल प्लान चाहती है और इस प्लान के इम्प्लीकेशंस के बाद ही सरकार की ओर से कंपनी में हिस्सेदारी बेचने पर फैसला हो सकता है। इस वक्त वोडाफोन आइडिया की हालत खस्ता दिख रही है। कंपनी का मार्केट शेयर गिर रहा है और कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। वोडाफोन आइडिया पर 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का घाटा 6,986 करोड़ रुपए था। मौजूदा समय में फंड जुटाने की खबरों के बाद ही शेयर में खरीदारी दिख रही है। फंड जुटाने की बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अगर फंड मिल जाता है तो कंपनी में नई तेजी बन सकती है। प्रॉफिट मार्ट के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षर के मुताबिक फंड जुटाने की खबरें कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इसी खबर को लेकर निवेशक स्टॉक पर बुलिश दिख रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया के मुताबिक वोडाफोन का शेयर 21 रुपए तक जा सकता है। छोटी अवधि में 18.50 रुपए के स्तर दिख सकते हैं। निवेशकों को 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव खबरों के दम पर चढ़ रहा है। कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्ज है, जिससे पार पाना आसान नहीं लग रहा है। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है और अगर आपको किसी शेयर में खरीदारी करनी है तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कॉमेंट के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।